पहले तो ये है कि मुझे इनफैक्ट थोड़ी सी मायूसी होती है जब कौमी असम्बली में इस तरह के मौजूदात पे भी सियासत की जाती है। मैं किसी एक को मुर्दे-ए-दम नहीं ठहरा रहा, ये हमेशा से होता है और ये एक सीधा साधा टेक्निकल मामला है जिसको टेक्निकल तरीके से ही देखना चाहिए था। जब कुलभूषण जाधव के सिलसिले में जब भारत ICJ में गया था तो हमें तब ही उसकी ICJ की इस पर ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा बायलैटरल मामला है पाकिस्तान और इंडिया का, और इसके लिए हमारे दरमियान में एक माहिदा भी है जिसमें हम ऐसे इश्यूज को हम ICJ में नहीं ले जाते। बहरहाल वो मुझे ये भी याद नहीं है उस हुकूमत किसकी थी, नून लीग की गालिब हुकूमत थी जब ये ICJ में चला गया। अब ICJ ने तीन आपको जो इस पर तीन रूलिंग दी हैं इस केस पे। पहली उन्होंने ये दी है कि गो के ये आपका मुकदमा जो है ये मिलिट्री कोर्ट में चला है और उसके ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है, बैन अवी कानून उस पर कोई उसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये एक मिलिट्री कोर्ट में चला है मुकदमा इसलिए इसको जो इसके मुजरिम हैं या जो इसके एक्यूज हैं उनको सिविल कोर्ट में एक रिव्यू का हक हासिल है।